नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं निखत बीटीएस न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज के समाचार। ये हमारे गांव वाले हैं, ये बिहार जिले के, बिहार स्टेट के गया जिले के परैया के सोनबरसा गांव के रहने वाले हैं, हमारे गांव वाले हैं। तो हमारे पास आए, मैं भी हैदराबाद में रहता हूँ, हमारे को ऐसा इन्फॉर्मेशन दिए कि इनका पति 5-6 महीना पहले हैदराबाद के चौटूपल मलकापुर विजय पॉलीमर्स में काम करते थे। इनको एकाएक इन्फॉर्मेशन मिला, इनका डायरेक्ट इनके हस्बैंड, इनका नाम शंभू था, जो चौटूपल में काम करते थे, उनको 5 महीना पहले एकाएक एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ नहीं मालूम, डायरेक्ट इनके घर पे इनके लाश को भेज दिया और FIR भी दर्ज हुआ इनके अनुपस्थिति में, और ऊपर से FIR भी दर्ज हुआ और उसको क्लोज भी कर दिया गया। तो पुलिस कमिश्नर से दरख्वास्त है कि इनकी जो हकीकत बयान है वो सुने, और सरकार से दुआ गुजारिश है कि इनकी मदद करें। इनके 4-5 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं जो बेहद सहारा हैं, तकरीबन 12 साल से लेकर 4 साल तक का हैं, और ये ऐसी हालत है कि इन्होंने हमारे पास आए हैं। तो आज ही मेरे को इन्फॉर्मेशन हुआ कि ऐसा ऐसा इनके साथ हादसा हुआ, और न कंपनी वाला कोई 2 पैसे का मुआवजा दिया, न पुलिस वाला कोई इन्फॉर्मेशन दिया, FIR भी दर्ज हुआ और इसको क्लोज भी कर दिया गया। इस तरीके से ना बेहद परेशान है, हमारे पास आए तो आज मेरे को मालूम हुआ। तो आज मीडिया के सामने मैं ये बात समझ पेश कर रहा हूँ। मीडिया वाले से गुजारिश है कि पुलिस कमिश्नर और पूरे TV वाले रिपोर्टर इनको ज़रा गरीब का सहारा बने और कुछ मदद की आस है जो मदद दिलाएं कंपनी वाला से या सरकार के तरफ से। थैंक यू। इनका मर्द का नाम शंभू था। इनको चौटूपल PS में कंप्लेन भी दिए और क्लोज भी कर दिए, इनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और चौटूपल PS से मेरे को गुजारिश है कि आप पूरी तफसील करके इनको फिर से केस को ओपन करें, और कंपनी के खिलाफ जो भी बयान दर्ज हुआ और कौन लिखाया कंपनी में केस, उनका नाम शामिल करें और बताए, और इनको इंसाफ दिलाने की कोशिश करें। कंपनी का नाम विजया पॉलीमर्स है, जो चौटूपल मलकापुर में पड़ता है। उनका केस रजिस्टर हुआ और उसमें ही क्लोज कर दिया गया। देखिए, FIR भी कॉपी हमारे पास जो मौजूद है, इनको ला के दिया, जो इनके साथ गांव वाले काम करते थे उन्होंने ला के दिए चौटूपल PS के तरफ से। FIR भी दर्ज हुआ है, वो जो मेरे पास फोटो कॉपी है वो भी मैं आपको बताना दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, एक कॉपी है जो चौटूपल PS ने जारी किया है और इसको क्लोज कर दिया है इनके बगैर इंफॉर्मेशन के। तो पुलिस से इंसाफ की गुजारिश करता हूं और इसकी हकीकत मालूम कराना चाहता हूं। हमारे साथ दिख रहे हैं हमारे गांव वाले हैं, बिहार सोनबरसा परैया डिस्ट्रिक्ट गया के रहने वाले हैं, हम भी इनके गांव के रहने वाले हैं। इनकी पति विजया पॉलीमर्स चौटूपल मलकापुर में काम करते थे 7 महीना पहले। इनका पति का एकाएक बगैर इन्फॉर्मेशन को इनके लाश को इनके गांव को भेज दिया। पुलिस कंप्लेन करे, कुछ भी नहीं करे, कुछ भी पता नहीं है। आके इनके पति के साथ इनके गांव वाला और एक काम करता था, लेकिन उनको साथ में लाश दे के डायरेक्ट गाँव को भेज दिए। इनके चार बच्चे हैं, न इनको कुछ इतला है, न इन्फॉर्मेशन है। डायरेक्ट इनके लाश को, इनके पति का नाम शंभू है, जो डायरेक्ट उनको बिहार को सोनबरसा को भेज दिए। आप 3 बेटी 1 बेटा है, और इनके साथ बहुत बड़ा नाइंसाफी हुआ। तो मैं पुलिस कमिश्नर साहब से बोलूँगा कि जितना हो सके इनकी मदद करें, और यहाँ का जो मैनेजर है और जो कंपनी का जो बॉस है, उनसे इनके कुछ आपकी मदद भी नहीं कर सके। मैं दरख्वास्त करता हूँ इनको जहाँ सक हो सके मदद करें। इनका केस का तकरीबन 5 महीने हो गए हैं, और पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी चला गया, FIR भी लिखा है, और इसका क्लोज भी कर दिए, और इनको कुछ इंफॉर्मेशन भी नहीं है। तो सरकार से और यहाँ के पुलिस कमिश्नर से दरख्वास्त है कि इनकी सुनवाई करे और इनको मालूम करे, और कंपनी से इनको कुछ मुआवजा दिलाए। इन्होंने 4 बच्चे हैं, उनको
कोई इंफॉर्मेशन नहीं, डायरेक्ट घर पे लाश भेज दिए जो है। इसलिए पुलिस कमिश्नर से दरख्वास्त है कि इनकी इंक्वायरी करें और इनको इंसाफ दिलाए। आपका नाम क्या है? नाम है सर। कहाँ के रहने वाले? यहाँ यहाँ पे क्या काम करते? मालिक वाला काम बताइए सर। किधर किस लिए आए? हम यही कारण से आए सर कि हमको पति जी काम कर रहे थे छोटू पाल में, से नहीं कुछ दिया है मुआवजा और नहीं कुछ हमको पता लगा है, और डायरेक्ट बॉडी ले जाके हमको दरवाजा पर। छोटू पाल में कहाँ काम करे आपके हस्बैंड? करे हाँ, आपके शौहर? हाँ। किधर किधर? कोसी कंपनी में पाइप वाला विजय पॉलीमर्स छोटू पाल में कंपनी है। कितने साल से कर रही? 5 महीने हो गए थे सर। 5 महीने से कर रहे थे? हाँ। फिर क्या हुआ उनको वहाँ पे? 5 महीने हो गए सर, 5 बजे से 6 बजे तक बात किए और 6 बजे से 9 बजे तक बात किए। अब फिर उतना ही देरी में हम लोग फोन लगा रहे ना तो मोबाइल नहीं धर रहा है, रिंग हो रहा है, उठाई नहीं रहा है। देखो मेरे को गांव वाला बिलेंदर पासवान रोहित पासवान था, उसको नंबर पर कॉल किए, दिन भर नहीं हमको बताया ना दिन भर हमको से बात करवाया। अब वकर बिहनों वाला डायरेक्ट बॉडी ले जाकर 3 दिन के बाद ले जाकर बिहार में छोड़ दिया एकदम गम का लाश, लाश में कोई नहीं ठेका। मर गए आपके शोहर? हाँ, कंपनी में मर गए। हाँ, कंपनी आपको नहीं बोले मर गए बोल के? हाँ, कंपनी में कोई भी नहीं बोले मर गए बोल के? आप नहीं बोले कुछ भी? कंपनी में थ्रू था सर, तक कंपनी में न मारा। हाँ, तो नहीं बोले क्या? इंफॉर्मेशन नहीं दिया आपको? हम लोग के कोई सूचना न कंपनी वाला सूचना दिया और न गांव वाला सूचना दिया, और कंपनी वाला गांव वाला से भेजवा दिया बिहार में डायरेक्ट। डेड बॉडी आपके गांव को भेज दिया? हाँ। छोटूपल पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करे? हाँ। पुलिस स्टेशन को गए थे? नहीं खोज पाए हम लोग के, पुलिस स्टेशन नहीं गए ना। फिर कौन करे थे कंप्लेंट? कोई नहीं किया, हमारी सूचने नहीं थे तो हमारी कंप्लेंट कैसे करे सर। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपको? 3 लड़की है, 1 लड़का है। अच्छा, कंपनी का नाम क्या है आपके जो छोटू पाल में कंपनी चल रहा? विजय पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड छोटू पाल। बोलो। मेरा नाम ब्रह्मदेव प्रसाद। हाँ, इन क्या लगते हैं आप? ये मेरे आंटी हैं। हाँ, बोलिए इनके हस्बैंड कैसा मरे? ये इनका हस्बैंड जो है कि गैस से आए 5 महीना यहाँ करीबन हो गया काम करते हुए, विजय पॉलीमर में काम करते थे। किधर है कंपनी है? ये छोटू पल में पड़ता है करीबन, वहीं पे काम करते थे। और 5 महीना के बाद जो है बिना फोन के घर पे लाश चला गया, मर गए, डेट कर गए। कंपनी वाले भेज दिया डायरेक्ट मर गया तो? डेट कर गए। अच्छा, ये तो केस बुक आप लोग करे जाके पुलिस स्टेशन में? ये पुलिस स्टेशन में कोई इनका है ही नहीं थे, ये वो गांव से जो लाए थे वही साथ में थे, बाकी कोई नहीं थे। वो अपना यहाँ जो है वही कह सुन के अपना गाँव अटेंडेंट लास्ट को भेज दिए, इन लोगों का कुछ मालूम नहीं है। ठीक 2-3 दिन पहले इनके पास फोन आया था और 3 दिन के बाद करीबन इनका हस्बैंड का लाश वहाँ बिना इंफॉर्मेशन के पहुँचा दिया।
इसी के साथ ही यह समाचार समाप्त होते हैं। दुआ और उम्मीद यही कि आप जहां कहीं भी हों खैर आफियत से हों, आपकी हर सुख खुशगवार हो और हर खुशगवार सुख का अंजाम बखैर हो। इन्हीं दुआओं के साथ मुझे और मीडिया टीम को दीजिए इजाज़त। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए BTS न्यूज़। जय हिंद।